हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर साइट फ्रिल टॉप बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे तो ये डबल लेयर हो जाएगी। उसके बाद हम इसे एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। जो मेरी साइट है वो बंद वाली साइट है और जो ऊपर की साइट है वो खुली वाली साइट है। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और इसकी टोटल लेंथ मैंने 25 इंच रखी है। 24 इंच हमें लेनी है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और शोल्डर में 7.5 इंच रखूँगी। शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच ही रखूँगी। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 11 इंच का फैब्रिक लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊँगी और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1 इंच पर निशान लगाऊँगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर से एक निशान में 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई है उसका 4th पार्ट कीजिए और उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए। और नीचे से हम हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जो भी आपकी हिप का मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिएगा और साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई में 4 इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में 2 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई में 4 इंच रखूँगी। और दोनों निशानों पर हम बॉटनेक शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट और बैक नेक के लिए। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है और स्लीव की लेंथ मैंने 17 इंच रखी है और ऊपर से स्लीव की चौड़ाई में 8.5 इंच रखूँगी और कैप स्लीव की लेंथ में 3 इंच रखूँगी। बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने खुली वाली साइड से निशान लगाया है उतना ही हमें बंद वाली साइड से भी निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और खुली वाली साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये बैक का शेप है और ये फ्रंट का शेप है। तो इस तरह से मैंने दोनों शेप ड्रॉ कर लिए हैं और नीचे से स्लीव की चौड़ाई में 6 इंच रखूँगी और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से मेरी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले हम नेक पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टी कट की हुई है, इसे हमें सीधी साइड से ही नेक पर रखना है और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम बैक नेक पर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो सेंटर से हम स्लीव को रखते हुए पूरी स्लीव में हमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद हम स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी इसमें अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें स्लीव अटैच कर ली है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसे पहले हम सीधा कर लेंगे
और एक साइड के शोल्डर के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जितनी लंबी आप फ्रिल लगाना चाहते हैं उतनी लंबी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जो एक साइड का शोल्डर है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे और जहाँ तक भी आपको फ्रिल लगानी है वहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं 12 इंच तक इसमें लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है 12 इंच तक। अभी ये मैंने एक पट्टी कट की हुई है जितनी हम इसमें फ्रिल बना सके। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अभी जो ऊपर से इसकी बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। एक ही साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगाई है। अभी जो हमारी बॉर्डर है ऊपर जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ पर हमें बड़ा टका करके इसमें सिलाई लगानी है जिसकी हम गैदर्स बनाने वाले हैं। तो बड़ा टका करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें से एक धागे को खींचते हुए इसकी गैदर्स बनाएंगे। पूरी पट्टी में हमें एक धागे को खींचते हुए इसकी गैदर्स बनानी है। तो ये देखिए मैंने इसकी गैदर्स बना ली है। अभी इसे हम जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इसे अटैच करना है। तो फ्रिल को हमें उल्टा रखना है और इसी लाइन के ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। फ्रिल को अच्छे से सेट करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद हम फ्रिल को दूसरी साइड पर यानी कि सीधी साइड पर टर्न कर देंगे और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फ्रिल को सेट करते हुए इसके ऊपर कवर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और जो अंदर की साइड है वो भी पूरी कवर हो जाएगी। अभी इसके ऊपर हम बटन अटैच कर लेंगे और इसे हम उल्टा कर लेंगे और 2 इंच का गेप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। फ्रिल को हमें अंदर की साइड ले लेना है और 2 इंच का गेप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जहाँ पर हमने फ्रिल अटैच की है वहाँ पर हम फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन अटैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा साइड फ्रिल टॉप बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।